मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आज की क्लास में। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, यानी कि क्रमचय एवं संचय। आज हम प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 7.2 का पहला, तीसरा और चौथा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, वो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, यानी कि एक तरफ से कह लीजिए आपके लिए होमवर्क वो क्वेश्चन होगा। तो बात करते हैं ज़्यादा समय खराब न करते हुए प्रश्न संख्या 1 की ओर। जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर प्यारे बच्चों यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मान ज्ञात कीजिए या मान निकालिए। देखो यहाँ पे लिखा है प्रश्न संख्या 1 में मान निकालिए। भाई किसका मान निकालना है? पहला है फैक्टोरियल, इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे आपको दिख रहा है आई, उल्टा आई है ये, इसका जो ये साइन है इसको बोलते हैं फैक्टोरियल साइन, राइट। तो ये है आपका पहला है फैक्टोरियल 8, यानी कि फैक्टोरियल 8 इसको हम रीड करेंगे। तो आपको मैंने बच्चों बताया होगा कि अगर आपके पास फैक्टोरियल n होता है तो आप क्या लिखते हो उसे, भाई n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू चलता रहेगा, ये चलेगा लास्ट में 3 × 2 × 1, मतलब इससे पहले 4 रहा होगा, मतलब कम होते होते ये कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा, ठीक है। यानी कि जो भी मान यहाँ पे रहेगा, यानी कि n की जगह में आपने वहीं से स्टार्ट करना है और एक एक कम करते करते उनके बीच में क्या लगाना है, गुणा का निशान लगाते रहना है और जब तक कि 1 ना आ जाए। बात समझ में? तो ये आपका सूत्र है, ठीक है, ये कह लीजिए आपका सूत्र है किसी भी मान को निकालने, किसी भी अंक का फैक्टोरियल मान ज्ञात करने के लिए, क्लियर है। तो जैसे आपके पास प्यारे बच्चों यहाँ पे है 8 फैक्टोरियल, तो आप क्या लिखेंगे इसे, यानी कि जैसे n का पहले आपने क्या लिखा, n लिखा, तो 8 का क्या लिखेंगे, 8 गुणा फिर n में से 1 कम किया, यानी कि 8 में से 1 कम करोगे तो क्या आएगा 7, फिर 2 कम किया, 8 में से 2 कम करोगे तो 6, फिर ऐसे ही आप क्या करोगे 3 कम करोगे फिर क्या आएगा 5, फिर ऐसे 4, फिर ऐसे 3, फिर 2 और 1। समझ में बात आ गई? ये आपने पूरा कहाँ तक करना है, इसको 1 तक लाना है, जब तक 1 ना, 0 मान लिख देना, क्योंकि जैसे इंटू 0 करोगे 1 कम और करोगे, जैसे 2 में से 1 कम किया, 3 में से 1 कम किया, 4 में से 1 कम करना है, तो अगर आप 1 में से 1 कम करोगे तो 0 हो जाएगा, तो टोटल मान क्या आ जाएगा, फिर तो 0 हो जाएगा ना। तो हमें कहाँ तक करना है, 1 तक करना है। अब इसको प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, गुणा करके इसका मान लिख देंगे, ठीक है। तो आप गुणा अपने रफ कॉपी में कर सकते हैं। तो बच्चों इसको गुणा करके आ जाएगा आपका 40,320, यानी कि 40,320। आप एक बार और गुणा करके आप इसको देख लेना, ठीक है। तो फैक्टोरियल का मान कितना आएगा, 40,320, यानी 40,320। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, पहला का जो पहला पार्ट है, यानी पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था। अब हम इसका दूसरा पार्ट यहीं पे मैं कर लेता हूँ। जैसे आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों कि फैक्टोरियल 4 है, तो फैक्टोरियल 4 को क्या लिखोगे आप, 4 × 3 × 2 × 1, मैंने बोला था ना, इसको कब तक लिखना है गुणा के रूप में, जब तक कि आपके पास 1 ना आ जाए। फिर माइनस है बीच में, देखो ये माइनस है, फिर फैक्टोरियल 3 को क्या लिखोगे आप, 3 × 2 × 1। तो आप इसको तो बहुत आसान है, फटाफट से गुणा कर लीजिए, 4 × 3 = 12 × 24, −3 × 6, तो 24 में से 6 गए तो कितना होगा भैया, 18 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि कितने आसान आसान से ये क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान, तो आप इनको प्रैक्टिस के तौर पर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, आप उसको कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 3 की, किसकी बात करते हैं, प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3 है फैक्टोरियल 8। तो फैक्टोरियल 8 को प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, फैक्टोरियल 8 को लिखोगे 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, क्लियर है। फिर क्या कर दोगे, बटे, क्योंकि बटे है, बटे का साइन, फिर फैक्टोरियल 6 को क्या लिखोगे, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, गुणा फिर फैक्टोरियल 2 के 2 × 1, देख लीजिए यहाँ पे कट जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल, ये आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका प्यारे बच्चों 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, और ये होगा आपका 2 × 8। तो आपके पास जो बचेगा वो बनेगा 4 × 7 और देखो सारी चीज़ें तो कट गई, बाकी यहाँ पे 1 बचा है, बाकी देख कर लेते, तो ये हो जाएगा 7 × 28, तो इसका उत्तर आ जाएगा 28। आप कैलकुलेशन में से स्वयं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में ये क्वेश्चन भी आया। तो बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यदि 1 × 6 + 1 × 7 = x / 8, तो x का मान ज्ञात करना, यहाँ पे क्या करना आपको, x का मान ज्ञात करना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत बार ये पेपर में आ चुका है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। देखिए आप इसको क्या करेंगे, ज़्यादा इसको पूरा
इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ऐसे मत लिखना है इसको, आप लिखो इसे फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल 6 ही लिखेंगे अपॉन फैक्टोरियल 7 को फैक्टोरियल 6 तक खोलेंगे। तो 7 को खोलेंगे तो क्या होगा भाई, 7 गुणा ऐसा आना था ना यहाँ पे 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 7 गुणा फैक्टोरियल 6 इक्वल टू एक्स अपॉन इसको खोलिए 8 गुणा मतलब फैक्टोरियल 6 चाह रहा हूँ मैं सब जगह फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 यहाँ पे भी आ जाए, तो ये क्या खुलेगा 8 गुणा 7 गुणा फैक्टोरियल 6। ठीक है, अब देखिए आप क्या करोगे कि 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 को कॉमन ले लेंगे, फैक्टोरियल 6 को कॉमन ले लेंगे तो भाई क्या बचेगा अंदर, यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा 1 अपॉन 7, यहाँ बचेगा एक्स अपॉन ये 8 गुणा 7 गुणा फैक्टोरियल 6। अब देखो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा भाई 1 हो गया, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, इसको सॉल्व कर लीजिए आप, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 7 × 7 = 8, 8/7 हो जाएगा। ठीक है भाई 8/7 हो जाएगा बराबर एक्स अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 8/7, क्योंकि फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट चुका है, अब 7 से 7 भी कट चुका है, तो यहाँ बचेगा 8 बराबर एक्स अपॉन 8, तो ये 8 इधर चले जाएगा, तो 8 × 8 क्या हो जाएगा 8 × 8 बराबर एक्स, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 8 × 8 = 64, तो ये आपका 64 इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, कई बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में यानी जो अभी आपने मुझे थर्ड क्वेश्चन कराया या पहला क्वेश्चन कराया वहाँ पे आपने फैक्टोरियल 6 को क्या लिखा था भाई, फैक्टोरियल 6 को हमने क्या लिखा था 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मैं मानता हूँ कि आप ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट चलाया है ताकि ये क्वेश्चन ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है भाई, आप फैक्टोरियल 6 को ऐसे भी तो लिख सकते हो 6 × फैक्टोरियल 5, मतलब एक कम करके वहीं पर रोक दिया, क्यों, क्योंकि ये जब खुलेगा तो ये भी तो ऐसे खुलेगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये 6 पहले से, तो कुल मिला के इसको ऐसे भी खोल सकते हैं, इसको ऐसे भी खोल सकते हैं, क्लियर है। जैसे कि मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल 7 को सिर्फ इतना खोला है, ठीक है, जैसे फैक्टोरियल 7 था तो मैंने लिखा 7 × फैक्टोरियल 6, अब आप ये देखेंगे तो फैक्टोरियल 6 को अगर खोलना हो तो ऐसे भी खोल सकते हैं 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो बात वही आ रही ना, चाहे आप ऐसे खोलिए चाहे ऐसे खोलिए, ये यहाँ पे इसलिए खोला गया है ऐसा फैक्टोरियल 6 तक ताकि फैक्टोरियल 6 यहाँ पे भी आ जाए, फैक्टोरियल 6 यहाँ पे भी आ जाए और फैक्टोरियल 6 यहाँ पे भी आ जाए, और इन दोनों से फैक्टोरियल 6 को मैं क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ, अब तभी कट जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन आपके लिए था। बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r का मान ज्ञात करो यदि n बराबर, यहाँ पे आपको दिया है n बराबर 6 और r बराबर 2, तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन भी ऐसे बन जाएगा, n की जगह में आपने मान रखना है, n की जगह में क्या रखोगे भाई 6, तो फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, फिर 6 माइनस r की जगह में क्या रखोगे 2, फिर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 बट 6 में से 2 गए कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों फैक्टोरियल 4। ठीक है भाई, फैक्टोरियल 6 में से 2 गए तो 4 बचेगा, और इसको आप खोल लीजिए, देखो इसको कैसे खोलेंगे, अब तुम्हें 4 तक ही खोलना है, 6 × 5 × फैक्टोरियल 4 तक खोलिए आप इसे, और क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल 4 नीचे भी है, तो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कटेगा, तो ये होगा 6 × 5 यानी 6 × 5 = 30, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। आप चाहे तो इसको पूरा भी खोल सकते हैं, कोई बच्चे घबराने नहीं बैठे यहाँ पे कि सर आप कभी ऐसा कर रहे हो कभी, तो आप कुल मिला के आप ऐसे भी कर सकते थे 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, बात एक ही है, और फैक्टोरियल 4 को खोलेंगे तो क्या होगा 4 × 3 × 2 × 1, तो देखो 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 3 × 2 × 1 ये कट जाएगा, तो तब भी आपको क्या बचेगा भाई 6 × 5 कितना होगा, तब भी आपका 30 ही उत्तर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको ये समझ में आया होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।